आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एलिफेंट टूथपेस्ट। ठीक है, तो इससे पहले कि जिनको नहीं पता कि एलिफेंट टूथपेस्ट होता क्या है, तो उनको बता दूं कि एक रिएक्शन होता है केमिकल का, जिसमें बहुत सारा जहर बनता है, उसको हम एज अ केमिकल टूथपेस्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो चलो अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो यानी उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो पहले हम क्या इसमें डालेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ठीक है, हमने ये बीकर्स बनाए हैं लास्ट टाइम बोतल स्टोर कर, तो हमने अपने बीकर्स बनाए हैं, थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे। ठीक है, और ठीक है इतना पानी काफी है। ठीक है, अब इस पानी वाले बीकर में हम डालेंगे थोड़ा यीस्ट। ये आपको कारियाना स्टोर से या जहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं वहाँ से ये यीस्ट मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत यीस्ट डालेंगे अपने लिमिट के हिसाब से। ठीक, मैंने इसमें यीस्ट डाल दिया। अब सेकेंड जो बीकर है उसमें हम डालेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का बोतल भी आपको मिल जाएगा मेडिकल स्टोर से। ठीक है, ये बड़ा वाला भी आता है और इससे छोटा वाला भी आता है। तो इसमें हम थोड़ा सा हाइड्रोजन 10% हाइड्रोजन का डालना है, पूरे रिएक्शन में 10% हाइड्रोजन डालना है और यीस्ट पानी के साथ डालना है। तो इसमें हम यीस्ट भी, ठीक है, हाइड्रोजन भी डाल दिया इसमें हमने। अब क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन की बीकर है इसमें हम डालेंगे शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं, कोई सी भी शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने बायो अमला ले लिया है। ठीक है, तो इसमें हम ये पूरी साशे जो 5 रुपये की आती है या 5 रुपये के दो आते हैं वो डाल देंगे। अब देखें, ये जो यीस्ट डाला था उसको भी मिलाएंगे और शैम्पू वाले को भी हाइड्रोजन के साथ मिला देंगे ताकि हमारा जो झाग है वो अच्छे से बने। अच्छा, जो ये यीस्ट के साथ बनता है ना वो नॉर्मली हम घर पर बना सकते हैं, वो वाला एलिफेंट टूथपेस्ट बनेगा। लेकिन जो असली कमर्शियल वाला है ना वो पोटाशियम आयोडाइड के साथ बनता है और ज़्यादा झाग बनता है। ठीक है, चलो हमारा यीस्ट वाला पानी भी रेडी हो गया, तो इसमें डालते हैं। देखें रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो जैसे मैंने आपको बताया था यीस्ट वाले में जो रिएक्शन है वो थोड़ा बनता है। ठीक है, इसलिए हमें जो है पोटाशियम आयोडाइड डालना पड़ता है। इसमें जितना रिएक्शन आता है मैं आपको उतना दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए झाग बनना स्टार्ट हो गया और रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया है, झाग बनता ही जा रहा है। तो ये थोड़ा बहुत हीट भी होता है, गर्म भी होता है। ठीक है, लेकिन जो पोटाशियम आयोडाइड के साथ आप करेंगे ना ये रिएक्शन, बहुत हाइड्रोजन जो है और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हमने डाला था वो बहुत हीट हो जाता है। तो इसके साथ आप देख सकते हैं, एक मिनट में आपको कैमरा क्लोजली आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। यानी ये आप देख सकते हैं कि कितना हमारा झाग बन गया है, तो ये झाग बनता ही जा रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो गया है ज़्यादातर झाग। ठीक है, और इतना सा हमारा टेबल पूरा भर गया है झाग के साथ। तो यानी ये जो था सिर्फ डेमो था, अब हम आपको एक अलग किस्म का टूथपेस्ट बनाकर दिखाते हैं। एलिफेंट टूथपेस्ट जो है अब हाई लेवल पर बना के दिखाते हैं, तो इसको रख देते हैं हम साइड पर। यहाँ पर हम रख देते हैं बोतल, सही है, और इसमें डाल देते हैं हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पर एक और चीज़ है हमारे पास, फूड कलर।
तो इस एलिफेंट टूथपेस्ट को कलरफुल बनाने के लिए हम उसमें ये फूड कलर डालेंगे, ठीक है। ये रेड भी या ब्राउन भी हमने डाल दिए, सही है। इसको अच्छे घुमाएंगे ताकि हमारा जो ये एलिफेंट टूथपेस्ट है वो कलरफुल बने। तो यार ये देखो पूरा कोक का हो गया, कोक हो गई है पूरी। तो इसमें हम ये लास्ट में जो हमने यीस्ट बनाया था वो डाल देंगे। तो भाई लोग तैयार हो, यानी शुरू करें। ओह माय गॉड, देखें ये तो बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब बनता है यार। सारे लोग व्यू कर वीडियो तो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो मुझे भी। तो देख सकते हैं, ये देखें कैसे ऊपर तक आ गया है। तो नीचे से यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट कर दिया इसने और यहाँ पर सारा टेबल खराब हो गया। देखो कैसे कलरफुल बना है। यहाँ से थोड़ा सा जो हमने ऊपर से डाला था येलो कलर वो है, फिर यहाँ से कुछ पिंक टाइप का है। तो आप भी बता देंगे हमें कौन से टाइप का है, कौन से कलर का है। तो यार देखें ये फ्लो करता ही जा रहा है। पहले वाला जो हमने डेमो के लिए वो बनाया था वो देखें, ये वाइट है। ये थोड़ा बहुत हीट भी है, गर्म भी है, तो शायद ये मेरे हाथों को ख़राब कर सकता है। लेकिन मैं फिलहाल जो ये न्यू बनी है ना उसको टच नहीं करूँगा। ये तो थी पहले वाली, तो इसलिए मैंने उसको टच किया है। तो यार इस वीडियो के लिए अगर आप सब्सक्राइब करें तो इतना तो बनता है, लाइक भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आपको क्लोजली ये भी दिखा देता हूँ, यानी ये देखो यहाँ पर इसने कलरफुल किया है यहाँ से, ठीक है। कलर है, देखें देखें लास्ट में जो है ना हमारा ग्रीन भी डाला था ना वो भी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा रेड है, पिंक टाइप है, यहाँ पर आपको सही से नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर हमने कलर जो येलो डाला था वो वाली लेयर आ गई है। आखिर में जो फर्स्ट हमने रिएक्शन किया था वो भी है, तो देख सकते हैं। बस इतना ही है,